और हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जो यहाँ पर आए हैं, मैं तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आप सब लोगों के आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूँ कि ये लड़ाई अकेले केदार सिंह रावत की लड़ाई नहीं थी, ये आप सब लोगों की लड़ाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे यमुनोत्री विधानसभा में अस्तित्व की भी लड़ाई थी और आप सब लोगों की लड़ाई थी। और इसके बाद जो इस लड़ाई का जो परिणाम आज पहली सीढ़ी है साथियों, इस लड़ाई की पहली सीढ़ी आप लोगों ने जीती, उसके लिए मैं आपको बधाई दूं। लेकिन ये अंतिम सीढ़ी नहीं है साथियों, ये तो अभी शुरुआत है, ये नई लड़ाई की शुरुआत है। विकास के जो रास्ते पे हमने अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है, उसकी ये शुरुआत है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अति उत्साह में हैं, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अति उत्साह में अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। ये सिर्फ अकेले केदार सिंह रावत की जिम्मेदारी नहीं, आप सबके साथ मिलकर के मैं लड़ूंगा अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई को। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र जो है ये ऐतिहासिक है, अपने आप में ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक ही नहीं विश्व में अद्वितीय है। अब आप कहेंगे क्यों अद्वितीय है, क्योंकि विश्व में कहीं भी गंगा और यमुना के संगम वाली कोई सीट नहीं, विश्व में गंगा और यमुना के संगम वाली कोई सीट नहीं है साथियों। ये हमारी, हम आप सबका जो है हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारी यमुनोत्री विधानसभा सीट में माँ गंगा का भी आशीर्वाद है, माँ यमुना का भी आशीर्वाद। और इस समय देखिए एक इतिहास बनता था कि जब गंगोत्री से सीट जो भी जीतता था उसकी सरकार बनती, लेकिन इस समय आपने इतिहास बनाया और उस इतिहास को, ये इतिहास जो आपने बनाया है, ये कैसा इतिहास बनाया कि पहली बार आपने यमुनोत्री सीट जीती जिसमें यमुना और गंगा दोनों का आशीर्वाद है, और दोनों के आशीर्वाद से न सिर्फ उत्तराखंड की सरकार बन रही है बल्कि उत्तर प्रदेश की भी प्रचंड बन रही है। ये इतिहास है, मैं आपको दोहराना चाहता हूँ साथियों, ये आप सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि जब आपने यमुनोत्री की सीट जीती तो प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है सरकार, प्रचंड बहुमत से, ये ऐतिहासिक है। इसलिए आप सब लोग जो है बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपने ये चुनाव लड़ा और जीता, ये अकेले केदार सिंह रावत की लड़ाई नहीं थी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अब आपके ऊपर 10 गुना और जिम्मेदारी। अभी तक आप दूसरे पे आरोप लगाते थे, इन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, अब सबकी नजरें आपकी ओर होंगी, अब आपको भी काम करके दिखाना है, उस पे साबित होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब साथियों पे 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, उस जिम्मेदारी का आपने निर्वहन करना है। ये अभी सफर की शुरुआत है और मुझे विश्वास है कि आप जैसे विश्वसनीय निष्ठावान साथियों के साथ हम आगे की चुनौतियों को भी पूरा करेंगे। हम जो है यमुनोत्री क्षेत्र में अपने किसी भी आम जन को जो है शिकायत का मौका नहीं देंगे, जितना आपके बस में होगा, जितना मेरे बस में होगा, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बस में हम लोग करेंगे। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई है। अकेले केदार सिंह रावत की लड़ाई नहीं, अकेले राम सुंदर नौटियाल की लड़ाई नहीं, अकेले भीमला नौटियाल की लड़ाई नहीं, अकेले शिषपाल रमौला की लड़ाई नहीं है, ये भी आपने सबने मिलजुल करके निष्ठा से जो है अपने विकास की लड़ाई को जो है आगे बढ़ाना है साथियों। उसके लिए अभी से जो है हमको तैयार होना पड़ेगा। उत्साह में आप लोग हैं, जीत के जश्न में हैं, उसके लिए एक बार फिर से बधाई।
और खुशियां तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक उत्साह गीत के जश्न को जो है आगे भी आप लोगों ने संभाल के रखना है इस उत्साह को, इस जीत के जश्न को, ये भी आपकी जिम्मेदारी कि आपको संभाल के रखना है।